दोस्तों, आजकल बालों के झड़ने की समस्या से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, लड़का हो या लड़की। यहाँ तक कि आजकल छोटी उम्र से ही लोगों के बाल बहुत तेज़ी से झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कियों की चोटियाँ पतली होती जा रही हैं और लड़कों के आगे से सारे बाल बहुत ही कम उम्र में झड़ने लगते हैं। बालों में चमक नहीं रह जाती, बाल लंबे नहीं होते। तो आज मैं जो आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ, इसका यूज़ आप अपने बालों पर ज़रूर करिएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनके बाल बहुत ही झड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनके बाल लंबे, मोटे और घने रहें, तो आप इस रेमेडी को उनके बालों पर ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी गई घंटी को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके और आप इस तरह की हेयर केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो डेली देख सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें प्याज लेना है। प्याज जिसमें भरपूर मात्रा में होता है सल्फर, जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, नए बाल उगाने में मदद करता है। हम एक प्याज लेकर इसका छिलका उतार लेंगे। प्याज बालों को मोटा करने और गंजेपन की समस्या को दूर करता है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। प्याज के रस में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो सिर की त्वचा में फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती है। इसके बाद हम लेंगे फेनुग्रीक लीफ, यानी हरी मेथी का पत्ता, जो सर्दियों में आसानी से हमें मिल जाता है। मेथी आपके बालों में रूसी यानी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देता है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मेथी प्रोटीन और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो हमारे बालों की जड़ों को हेल्दी रखता है, बालों को मजबूत बनाता है, मोटा, लंबा और घना बनाता है। तो हमने मेथी को भी कट कर लिया है और अब हम इसको साइड में कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे आंवला। दोस्तों, जब बालों को खूबसूरत, मजबूत, लंबा, घना और मोटा करने की बात आती है, तो सबसे पहले हमें याद आता है आंवला। तो हमने एक आंवला लेकर इसको अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आंवला, जिसे हेयर टॉनिक भी कहते हैं, जो बालों को भरपूर पोषण देता है। आंवले में विटामिन ई की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। अगर आंवले का यूज़ डेली किया जाए अपने खाने में और अपने स्कैल्प पर, अपने बालों पर इसको लगाने के लिए, तो हमारे बालों की लंबाई 10 गुना तेज़ी से बढ़ती है और हमारे बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक ग्राइंडिंग जार में एक एक करके डाल देंगे। इस जार का लिड लगाकर इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो पेस्ट रेडी है। अब एक साफ कटोरी लेंगे, इस पर एक साफ कपड़ा डाल देंगे। इसके बाद इस पीसे हुए पेस्ट को इस कपड़े पर डालकर हम इसको इस कपड़े से छान लेंगे और इसका सारा जूस निकाल लेंगे। छानने के बाद इसका जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, उसको हमें फेंकना नहीं है, हम इसका भी यूज़ करना आपको बताएंगे। पहले हम आपको इस जूस का यूज़ करना बताते हैं। हमें इस जूस में एक चम्मच हेयर एंड केयर मार्केट वाला जो ऑयल आता है, उसे हमें इसमें डालना है। तो इसमें हमने एक चम्मच इस ऑयल को ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच ग्लिसरीन डालेंगे। दोस्तों, ग्लिसरीन हमारे बालों में ड्राइनेस को दूर करता है और जिनके बाल रूखे और बेजान हैं, उनके बालों में नई जान देता है। जिनके बालों में कोई शाइन नहीं है, उनके बालों को चमकदार बनाता है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये आपस में मिक्स हो जाएं, तो इस कॉटन पैड को इस जूस में हम डिप करेंगे और अपने बालों पर इसे लगाएंगे। इसे पूरे बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाना है।
इस हेयर टॉनिक को अपने बालों पर 2 से 3 घंटे लगा कर रखें। उसके बाद अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर दें। अगर आप होममेड शैम्पू बनाना चाहती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। अब इस वेस्ट मटेरियल को एक कटोरी में रख लेंगे। इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालेंगे। आपके पास जिस भी कंपनी का कोकोनट ऑयल है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच मार्केट वाला हेयर एंड केयर ऑयल डालेंगे। अब हम इसको धीमी आंच पर गैस पर पकाएंगे। तो हमने इस ऑयल को गैस पर रख दिया है और आप देख सकते हैं इसमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाला था वो गर्म होना स्टार्ट हो गया है। इसको आपको बिल्कुल धीमी आंच पर स्लो फ्लेम पर आपको इसको पकाना है करीब 8 से 10 मिनट। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो हम गैस बंद कर देंगे। इसके बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा तो इसको हम एक साफ कटोरी में इस ऑयल को किसी छलनी या कपड़े की हेल्प से छान लेंगे। सो दोस्तों, ऑयल निकल चुका है इसमें से। अब हम इस ऑयल को इस तरह एक कंघी वाले ढक्कन का जो बॉटल होता है उसमें हम इस ऑयल को डाल देंगे। इस बॉटल में ऑयल भर कर हम रख लेंगे। दोस्तों, आपको जब भी ऑयल अपने बालों पर लगाना हो इस बॉटल की हेल्प से ही आप लगाएंगे। इसमें जो कॉम्ब वाला ढक्कन लगा हुआ है उसकी हेल्प से आपके बालों पर बहुत ही अच्छे से ऑयल लग जाता है। आपके बालों की जड़ों में अच्छे से ऑयल पहुंच जाता है और अपने बालों पर ऑयल लगाने के बाद धीरे धीरे अपने बालों की मसाज करनी है। उसके बाद अपने बालों में एक बन बनाकर या अपने बालों की एक चोटी बनाकर छोड़ दीजिए अपने बालों को। इस ऑयल को अपने बालों पर 2 दिन लगा रहने दीजिए और 3रे दिन आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। दोस्तों, आप जब भी कोई होममेड ऑयल लगाते हैं तो उसे अपने बालों पर 1 से 2 दिन जरूर लगा रहने दें। उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर दीजिए। तो 3रे दिन आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से या होममेड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर दीजिए। इस रेमेडी को आप अपने बालों पर ज़रूर लगाइएगा क्योंकि इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है जो मैंने अपने बालों में देखा है। तो आज की वीडियो कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।